तो बच्चों, अभी आपने सूरज और चांद की कहानी सुनी। अब हम इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग कहानी पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, "तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते?" पानी बोला, "मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं, तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी." सूरज ने कहा, "मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा." सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, "मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं?" सूरज ने कहा, हाँ, आ जाओ." पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते? कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो बच्चों, अब आपने कहानी सुन ली है और कहानी की रीडिंग भी कर ली है। कहानी का पठन अभ्यास भी आप कर चुके हैं। इस कहानी को आप 2-3 बार अच्छे से सुनेंगे और इसमें जो भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों को ध्यान पूर्वक देखकर समझेंगे। और इसमें से जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं उन सबको आप गोला लगाएंगे, चंद्र बिंदु वाले शब्दों को, जैसे चांद, आऊं, पहुंचा, ठीक है बच्चों? चलिए, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।